स्वागत है निशा भैया। नमस्ते। नमस्ते, सभी साथियों का स्वागत है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि सुनीता जी का हैंड रेज है। नमस्ते सुनीता चाहती है, आवाज थोड़ा स्लो आ रही है, थोड़ा जी। अच्छा, बढ़ अभी पाएगी ठीक आवाज, है? थोड़ा और थोड़ा और। अब अभी बताएं, परीक्षित भैया भी बताएं। नहीं, आलोक भैया मेरी तरफ तो ठीक है जी, ठीक है बराबर है सर, बिल्कुल, आवाज ठीक बराबर है है। ठीक है। जी, ओके जी सर, भैया कंटिन्यू कर सकते हैं। सुनीता जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, हैंड रेज है आपका कुछ। नमस्ते ज्योत्सना जी, बताइए। नमस्ते नमस्कार, सभी नमस्ते। साथियों को नमस्कार। ये जो क्वेश्चन है कि सिर्फ सुविधा से बढ़ोतरी या विकास हो सकता है, तो मैं ऐसा नहीं मानती। सबसे पहले तो समझ होना, अंडरस्टैंडिंग, उसको डेवलप करना, हमारे अंदर की समझ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद संबंध, तभी हमारे संबंध, जब समझ अच्छी होगी, समझ अच्छी डेवलप होगी, तभी हमारे संबंध अच्छे बन पाएंगे। और उसके बाद ही हमारा जो आंतरिक विकास होगा वो हो पाएगा, तभी हम जो सुख सुविधाएं हैं उनका आनंद ठीक से प्राप्त कर पाएंगे, जी ठीक मेरा बात ऐसा है। सोच। तो जी, तो यहाँ जो बात रखी गई आज सुबह के सत्र में, वो यही रखी गई कि अभी जो हमारा जीना ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सुविधा के लिए हो रहा है, जबकि अगर अपने में हम एक्सप्लोर करके देखते हैं, अपने में हम देखते हैं, तो ये ध्यान आता है कि मेरे लिए समझ भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है और सुविधा भी जरूरी है। तो ये तीनों ही चीजें मेरे लिए जरूरी दिखाई देती है। मेरा जो जीना अभी केवल सुविधा के लिए हो रहा है, तो वो सुविधा के साथ साथ अगर समझ और संबंध के लिए हो जाए, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे प्रोग्रेस, ऐसे विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जी बात ज्योत्सना जी कुछ पहुंचा पाया मैं आप तक? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक कहा आपने। मैं इसको समझ पा रही हूँ कि हमारी समझ को पहले ठीक करना है, और जी तभी हम सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन तभी हम उसको एंजॉय भी तभी कर पाएंगे जब हमारे हाँ संबंध अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा, हमारी संबंध समझ अंदर से हमारी समझ अच्छी होगी, जी मैच्योर होगी, तो तभी हम उसको ठीक से, जी सुविधाओं का तभी हमें फायदा होगा उसको। तो जी तीसरे नंबर पे मेरे लिए आती। जी हम अपने लिए वो उसको तय कर लें कि मेरे पे वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हर व्यक्ति अपने लिए तय करेगा तो मुझे लगता है जी ज्यादा ठीक रहेगा। हम लोग तय करें किसी दूसरे के लिए, वो ठीक नहीं है। हर नहीं, मैं व्यक्ति अपने खुद। लिए, हाँ अपने जी लिए ही जी कह जी री हूँ, पहले जी 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 समझ फिर संबंध फिर उसके बाद सुविधा, तीसरे ठीक नंबर। बात है, ठीक बात है। तो जैसे ज्यादातर लोग ऐसा ही बताते हैं, तो वो उसी हिसाब से वो 1 2 3 जो है वो भी लिख दिया गया है। जी बहुत बढ़िया। आप कहाँ से मैं दिल्ली से हैं हूँ, ज्योत्सना जी? दिल्ली दिल्ली से हूँ मैं। से। ठीक, अच्छा ठीक है। हमारे साथ जेपी आनंद जी भी हैं। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते, नमस्ते। परीक्षित हाँ जी। मैं जी बताइए। ये कहना चाहता हूँ कि सुविधा से बढ़ोतर ही विकास है। जी नहीं, विकास में और चीजें भी शामिल है। जैसे किसी मनुष्य का, समाज का, देश का सामाजिक जो विकास है ना, वो भी इसमें शामिल है। तब जाके विकास का समग्र रूप बनता है। तो इसलिए इसमें समझ और अपना रिश्तों में अपनापन और जो सुविधाएं हम ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी से आगे जितने बढ़ते जाएंगे, उससे विकास बढ़ता जाएगा। तो ये जरूरी है। और एक सवाल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वांछित जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अपने आप में हमें बदलाव लाना है, इतना ही नहीं समाज में बदलाव लाना, आगे उसको परक्यूलेट भी करना, आगे भी जानना। इसके लिए हमें ऐसे जी प्रयास करना चाहिए जो हम आपसे सीख रहे हैं, वो उसको अच्छी तरह समझ लें, ऐसा समझ लें समझने वालों को समझा सकें। ये मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। जी थैंक ये यू। बात आपकी ठीक है कि समाज में भी जो है विकास होना चाहिए और सही विकास होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो समाज में सही विकास है वो करेगा कौन? वो मानव ही करेगा। और अगर जब मानव मानव करना जाए, तो हाँ मानव में अगर सही समझ हो गई हो तब वो कर पाएगा, या नासमझी में वो सही विकास करेगा? हाँ, मानव ही करेगा। और मानव को भी समझ जब आई, जब उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा, उसको सही हाँ संस्कार हाँ मिलेंगे,
तब जाके तो उसको ये ज्ञान दिखता है कि आएगा। जब मानव में सही समझ आ पाएगी तभी वो करेगा। तो अभी तो हम मानव की ही समझ की बात कर रहे हैं कि पहले मानव में सही सही समझ आ जाए, हाँ ठीक फिर ठीक वो सही वो जो है समाज के लिए भी काम कर पाएगा। अभी आप में मुझ में अगर हम लोग अपने को सेल्फ एक्सप्लोर कर पाए, अपने में जांच परख कर पाए, हमारे में सही समझ आ पाती है, तो फिर हम बात को समाज तक भी पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल लेकिन सही। अगर मेरे में ही बात ठीक नहीं हो पा रही है, मेरे में ही क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, मेरे में बहुत सारा गड़बड़ी चल रहा है, हो सकता है मैं समाज में भी फिर गड़बड़ी फैलाऊं। यस यस सही जी सही कहा। मतलब सर्वप्रथम शुरुआत अपने से हो, स्वयं से होगी। स्वयं से जितनी अच्छी समझ आएगी उतना अच्छा हम आगे अपना अपना खुद का विकास भी कर सकते हैं। बढ़िया जी। हेमंत जी भी हैं हमारे साथ। नमस्ते हेमंत नमस्कार जी। सर। नमस्ते सर नमस्ते। आवाज आ रही है सर? आ रही है आ रही है। हाँ सर, देखिए किसी भी देश की और समाज की जो विकास है और जो समृद्धि है और जो खुशियां हैं वो दोनों ही चीजों से चलती है, जो मेरा मानना है। सुख समृद्धि हमको तभी मिलेगी जब हमारे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और साथ ही साथ पैरेलली हमको आंतरिक खुशी भी हो अंदर से। हमने फिजिकली डेवलपमेंट तो काफी कुछ किया है देश की आजादी के बाद से, अब तक काफी कुछ हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन क्या उस डेवलपमेंट से, उस पैमाने से, उस जो पैरामीटर से हम आंतरिक खुशियां जो इंसान की है हम उनको माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं, क्योंकि हमने उधर तो डेवलपमेंट किया लेकिन इधर इंसान खुश नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं है। अभी हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, इसमें सर्वे भी हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, जितने भी 500 लोगों पे सर्वे हुआ है, जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग थे जिन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो काफी सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन वो भी अभी खुश नहीं है। 70% वो लोग खुश नहीं है सब कुछ होने के, इसका मतलब हमने भौतिक उत्पत्ति तो कर ली, भौतिक विकास तो कर लिया, लेकिन हम आंतरिक खुश नहीं है। तो आंतरिक खुशी कैसे आएगी? वो हमारी समझ से ही आएंगे। तो उसी के लिए जैसे हमारा विभाग है जो हमको सिखाता है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है कि उस टूल्स के माध्यम से हम अपने अंदर एनालिसिस करें, अपने अंदर झांके, अपने अंदर कमियों को ढूंढें। तो जो बाहरी खुशी है, जो फिजिकली डेवलपमेंट के साथ साथ हमको आंतरिक खुशी भी मिलने लगेगी और हम दोनों चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। ये मेरा मानना है कि केवल बाहरी खुशी से खुशी नहीं मिलती, हमको अंदर से भी खुशी वो तभी मिलेगी जब हम वो टूल्स मिलेंगे। तो हमें जब बाहरी ज्ञान के साथ साथ अंदर भी ज्ञान होगा, अपनी कमियों को दूर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था सीसीडी के मालिक ने सुसाइड कर लिया, सब कुछ था, 1200 करोड़ का आदमी था, 700 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा था, सारे एसेट, तो भी वो उन सब चीजों से दूर रह सकता था, लेकिन सारी चीजें उसने अपने ऊपर ले ली। दैट मीन्स जो हैप्पीनेस है और जो फिजिकली डेवलपमेंट है, दोनों ही टोटली डिफरेंट चीज है। हमको दोनों को पैरेलली सीखना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं उनको दूर करके हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हम दोनों चीजों को एंजॉय कर सके लाइफ में। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बाहरी सुरक्षा, बाहरी विकास और आंतरिक विकास, और हमको दोनों का ही विकास करना है। थैंक यू वेरी मच। जी ठीक बात है हेमंत जी, बहुत ठीक बात आपने कही कि हमको अपना भी विकास करना है। और जो अभी हम जैसा आपने बताया कि ये तो देख पा रहे हैं कि बाहर बहुत सारा जो है सुविधा में बढ़ोतरी हो गई है, सड़कें बन गई हैं, जी बिल्डिंग बन गई है, पुल भी बन गया जी है, लेकिन क्या जी मानव मानव संबंध भी अच्छा हो गया है नहीं या नहीं बिल्कुल इन नहीं हुआ है 50 सालों सर, में गड़बड़ हो गया? क्या बहुत पीछे रह गए। मानव का जो अंतर विरोध है, जो टेंशन है, जो जी फ्रस्ट्रेशन है, ये भी बढ़ गया जी है या ये घट गया है? इसको नहीं क्या सर, ये होना बढ़ता ही चाहिए? जा रहा है, ये तो बढ़ता ये ही जा रहा है, ये हाँ कम नहीं हो रहा है। क्या इसका ये सोल्यूशन भी है, हाँ क्या इसका इसका सोल्यूशन भी बढ़ना है। भी जी इसका बढ़ना ही विकास है क्या? तो इन नहीं सारे नहीं ये मुद्दों बढ़ना को भी विकास नहीं है। नहीं हाँ, नहीं नहीं तो इन सर, सारे मुद्दों को भी देखने की हम लोग कोशिश बहुत करेंगे जरूरत इन है जी। चार वही पांच वही दिनों में। आपको टूल किट प्रोवाइड करनी है, किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से हम लाइफ को एंजॉय कर पाए, जो हमारी लाइफ बची हुई है, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो सब जी उन चीजों को फेस ना करे, वो मानवीय मूल्यों के साथ साथ फिजिकली डेवलपमेंट के साथ साथ जो हैप्पीनेस है उसको भी एंजॉय कर सके। और ऐसा नहीं सर, हम लोग ने बचपन देखा है, तब हम लोग के पास गरीबी देखी है, पैसा नहीं था, फिर भी हम लाइफ एंजॉय करते थे और खुश रहते थे, लेकिन अभी सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, शिक्षा में भी कमी है, नैतिक शिक्षा की भी कमियां हैं,
और फिजिकली डेवलपमेंट के साथ है, इंटरनल पीस की भी कमी है, इंटरनल हैप्पीनेस की भी कमी है। वो आएंगी कहाँ से? वो इंटरनल जो आप टूल प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से हम उनको दूर कर सके और आगे बढ़ सके और दोनों चीजों को हम इंजॉय कर सके। दोनों ही पैरेलली आगे बढ़ना चाहिए, दोनों का ही डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ठीक बात है। तो ये तो बात मतलब आप लोगों के रिफ्लेक्शन से ध्यान में आ रही है कि काफी ध्यान से आपने आज सुबह का सत्र सुना है और बहुत सारी बातें जो है वो ध्यान में गई है। बहुत ही बढ़िया हेमंत जी, बहुत बढ़िया। उषा व्यास जी भी हैं, नमस्ते उषा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। यदि हमारी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले अपना शेयर किया था, शायद सर उन सर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेरा इस ओर ध्यान दिलाया कि हमारे हम अपनी समझ को डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी समझ को समझती हूँ, और यदि हमारी समझ, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मुझ में ये समझ आई है कि मैं जो चीजें पहले गड़बड़ कर रही थी उनको अब मैं बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ। ये शायद मेरी समझ है, सही हो रही है, और उन सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर उन्होंने मेरी बात को कहीं खुद समझने में डाइवर्ट कर लिया। मेरा मतलब वो नहीं था। दूसरी बात, यदि हमारी समझ सही है तो संबंध भी बिल्कुल बहुत सुखद और बहुत आनंदमय होंगे, और संबंध जब सही होंगे खुद से, परिवार से और समाज से, और जहां हम जहां जहां जाएंगे वहां पशु जानवर पेड़ पत्ते पौधों सभी से हमारे अंदर प्यार ही प्यार भरा रहेगा, तो हमारे संबंध कहीं खराब होंगे ही नहीं। और जब संबंध और सब कुछ सही होगा, आनंदमय होगा, तो हमें सुविधाएं अपने आप मिलती जाएंगी। जो व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है या दो जो व्यक्ति हमसे खुश नहीं है, वो व्यक्ति को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारे अंदर यदि उसके प्रति प्यार और कोई मतलब बुरी भावना नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति भी हमारे प्रति खुश खुश नहीं तो मतलब उसके बुरे विचार जरूर चले जाएंगे। ये मेरा विश्वास, ये मेरी समझ, मैं समझती हूँ, और इस यही शायद जीव चेतना है। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इन 5 दिनों में इसी सब बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पहलू पर जो भी हमारे जीने के लिए महत्वपूर्ण है, हम किसी भी पहलू पर मतलब ऐसा छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से सारी बात जो है वो आप तक रखें। जी बहुत बढ़िया उषा जी। जी सुषमा जी भी हैं, नमस्ते सुषमा जी। जी सर, नमस्कार। सबकी बात लगभग जो बात कुछ मैं कहना चाह रही थी काफी लोगों ने कही। मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि जो जिस आप परिमार्जन की बात कर रहे हैं कि परिमार्जन वांछनीय तो है, पर हम उसको मतलब पर्याप्त रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास भी हम कर रहे हैं पर उतने प्रयास हमसे हो नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे जुड़े हैं। और मैं जहां तक सुविधाओं की बात करती हूँ कि जब सब लोग सुविधाओं को पूरी तरह से उपेक्षित यदि कर देते हैं, तो सुविधाएं भी बहुत जरूरी, बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो इतनी सुविधाएं मुझे लगता है जरूरी है। क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है कि जब सुविधा मैं पूरी नहीं कर पा रही थी परिवार की, तो मेरा सुख का स्तर क्या था। और जब मैं सुविधाएं पूरी कर पा रही हूँ, मतलब उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रही हूँ, तो हम कितने संतोष में हैं। तो बेसिक नीड्स पूरी करने की जितनी सुविधाएं हम सबके आसपास होनी चाहिए, हमारी समझ पहली चीज है, ये बिल्कुल सही है कि उन बेसिक नीड्स के पूरे नहीं होने में हम लोग समझे हुए जरूर थे, पर फिर भी हम लोग उस लेवल पे सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, आनंदित नहीं रह पा रहे थे। तो मैं सुविधाओं को भी महत्वपूर्ण मानती हूँ, पर समझ को सबसे पहले समझ रही हूँ कि समझ यदि सही होगी तो हम पूर्ण रूप से आनंदित रह पाएंगे। ठीक बात है। तो दिखता है कि भाई हम अभी हमारा जो फोकस ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो केवल सुविधा के लिए हो गया है, तो अगर ध्यान से देखने जाए तो मेरे लिए समझ भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है और सुविधा भी जरूरी है, तीनों ही जरूरी है। अक्सर लोगों को ये बात कई बार कन्वे हो जाती है कि हम लोग सुविधा को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि आप देखें कि सुविधा के साथ साथ समझ और संबंध को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी को छोड़ने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। जी बहुत बढ़िया सुषमा जी। हमारे साथ आरसी उपाध्याय जी हैं, नमस्ते उपाध्याय जी। सर सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जो सुबह के सत्र में बात हुई थी समृद्धि, समझ और संबंध को लेकर के, तो
तो सर मेरा जो स्वयं का एक विश्लेषण है उसको शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जैसे समृद्धि आती है मुझे लगता है कि हमारा ये समझ और सुख दोनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होते चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे जो समृद्ध परिवार हैं वहां पर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो एल्डर्स होम की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन जहां पर केवल गुजारे भर की सारी चीजें हैं वहां पर कभी भी उनके माँ बाप को एल्डर्स होम में जाने की बात कोई सोचता ही नहीं है। समृद्ध परिवार में पति पत्नी के बीच तनाव और तलाक की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है तुलनात्मक रूप से कम संपन्न या जो काम भर केवल सब चीजें हैं संसाधन है वहां के। और इसी तरह से जैसे सुबह एक उदाहरण आया था, किसी ने कहा कि 135 सेट कपड़े हैं तो मुझे लगता है उनको रोज आधा घंटा का समय लगाना पड़ता होगा इस बात का निर्णय लेने में कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा, जबकि पहनने के लिए एक बार में एक ही कपड़ा चाहिए, अगर तीन है तो इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा मतलब है कि क्या समृद्धि कहीं हमारे सुख और संबंध दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम ये चल रहा है इस तरह की कार्यक्रमों की उपायदेता और आवश्यकता दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार देने की आवश्यकता है। सर जी जी उपाध्याय जी ठीक बात है, अगर ये दिखता है कि भाई समृद्धि के कारण जो है वो बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, पर क्या हम समृद्धि को और संपत्ति को अलग अलग देख पा रहे हैं या दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं? क्या हम समृद्धि को समझ पा रहे हैं या हमने समृद्धि को संपत्ति ही मान लिया है? इस मुद्दे पर हम इसी सेशन में ही चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा है आपका जो इस तरह का प्रश्न आ रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ बात आप तक हम लोग पहुंचा पाएंगे इस सेशन में, तो उससे कुछ और समृद्धि के बारे में, सुख के बारे में कुछ क्लैरिटी जो है वो बन पाएगी, हम लोग का प्रयास रहेगा जी। और काफी अच्छा जो है ये रिफ्लेक्शन आप लोगों का आ रहा है जी। तो मुझे बहुत सारे हैंड रेस तो दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है इस सेशन को थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर इस सेशन में हम लोग जो है इस पूरे प्रस्ताव को किस तरह से रखना है आपके सामने, क्या प्रक्रिया ठीक है रखने की, हम इस प्रक्रिया पर बात करेंगे। और फिर जो सुबह से बात हो रही है कि मानव में ये दिखता है कि सुखी होना चाह रहा है और सुखी होकर जीना चाह रहा है, तो ये सुख है क्या, समृद्धि है क्या, हम लोग इस पर भी जो है इसी सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर ये दिखाई दिया कि ये जो पूरी प्रस्ताव जितने भी आपके सामने रखे जा रहे हैं तो वो किस तरह से रखे जाएं? अभी देखिए जनरली जब हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग अपने ऑफिस में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, बाजार में, समाज में, हर जगह पर हमारी बातचीत होती है, तो हमारी बातचीत अलग अलग तरह से हो पाती है। कई बार ये दिखता है कि वो आदेश के तौर पर हो, मैं किसी को कुछ आदेश दे दूं कि आपको ये करना है, ये कर लीजिए, ये ठीक रहेगा, इस तरह से मैं आदेश दे देता हूँ। फिर कई बार मैं उपदेश भी देता हूँ कि ऐसा कर लो, ऐसा करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा, बहुत अच्छा जीवन चलने लगेगा, इस तरह का कुछ उपदेश भी होता है। फिर एक प्रस्ताव भी होता है कि ये मैंने करके अपने में मैंने कुछ देखा है, मुझे ठीक लग रहा है, आप अपने स्तर पे भी देख लीजिए क्या ये आपके हिसाब से ठीक है। तो ये तीन तरह का मुझे दिखता है कि हम लोग जब चर्चा करते हैं घर परिवार में, ऑफिस में, अपने कार्यालय में और जगह पर, तो ये तीन तरह की बातचीत दिखाई देती है, आदेश, उपदेश, प्रस्ताव। कौन सी विधि में बात करना मुझे ठीक लगता है, आप चैट बॉक्स में लिखकर आंसर कर सकते हैं। आदेश के लिए ए लिख दीजिए, उपदेश के लिए यू लिख दीजिए, प्रस्ताव के लिए पी लिख दीजिए, तो ऐसा भी छोटा भी हो जाएगा। बढ़िया, तो ये आ रहा है कि प्रस्ताव ठीक लगता है, जब मैं प्रस्ताव की विधि से बात कर रहा हूं तो प्रस्ताव ठीक लगता है, ठीक बात है, बढ़िया। तो हमारी तरफ से भी जो भी पूरी बात कही जा रही है वो आपके लिए एक प्रस्ताव ही है,
ठीक है, चैट बॉक्स तो रोक सकते हैं अभी। बढ़िया, तो हमारी तरफ से भी जो पूरी बात की जा रही है वो आपके लिए एक प्रस्ताव है। अब जब भी प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को क्या किया जाए, सीधे मान लें या ना माने, दोनों ऑप्शन है। यही प्रस्ताव किसी ने दिया और उसको मान लिया, या प्रस्ताव दिया तो उसको नहीं माना। तो यहाँ पर हम दोनों ही करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना माने ना उसको छोड़ दें, बल्कि उसको जांचें, उस प्रस्ताव को जांचें, उसकी जांच परख करें। और जांचें भी किसके स्तर पर, किसी दूसरे के स्तर पर जांचना ठीक है या आपके खुद के स्तर पर जांचना ठीक है, खुद के स्तर पर या दूसरे के स्तर पर, इसको भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। खुद में के लिख दें, दूसरे में डी लिख दें। बढ़िया, तो यह दिखता है कि भाई खुद के स्तर पर जांच परख करना ठीक है। बहुत बढ़िया, हम लोग इस तरह से भी कन्वर्सेशन करेंगे और आप लोगों के जो है बातचीत करके भी, तो ये टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह से हम चल पाएंगे कि हम, मैं भी कह रहा हूँ और आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। बढ़िया, तो ये दिखता है कि अपने स्तर पर जांच परख करना, खुद के स्तर पर जांच परख करना, ये ठीक दिखाई देता है। अब जो भी प्रस्ताव हो यहाँ से रखा जा रहा है उसको आप अपने स्तर पर जांच परख करें, और जो अपना जांच परख का स्तर है उसको एक नाम दिया सहज स्वीकृति, उसके स्तर पर जांच परख करें। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि किस भाव के साथ जीना ठीक लगता है, संबंध के भाव के साथ या विरोध के भाव के साथ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़िया, संबंध में एस लिख सकते हैं, विरोध में वी लिख सकते हैं। बढ़िया, तो सभी ये लिख रहे हैं कि संबंध के भाव के साथ जीना ठीक है। अच्छा, ये संबंध के भाव के साथ या विरोध के भाव के साथ जब यहाँ से आपसे पूछा गया, तो क्या आपको किसी को पूछना पड़ा, गूगल में सर्च करना पड़ा, किसी दूसरे से पूछना पड़ा, बताओ भाई इसका क्या आंसर है? तो ये देखता है नहीं, ये मेरा खुद का ही है और खुद से ही निकल कर आ रहा है, तो ये मेरा खुद का है। अच्छा, ये जो ये मेर, तो ये दिखाई देता है ये सहज स्वीकृति मेरी खुद की है, ये स्वत्व मेरा खुद का ही है, किसी दूसरे का नहीं है। अच्छा, ये केवल अभी है कि भाई यहाँ वर्कशॉप में आए हैं तो अच्छी अच्छी बात करें, जब कहीं और जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो वहां बोलेंगे कि नहीं भाई विरोध के साथ जीना ठीक है, या जब कभी दूसरी किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बोले नहीं भाई विरोध के साथ जीना ठीक है, तो जसलाल भैया नमस्ते। जी जसलाल भैया, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक भैया? जी आवाज तो आ रही है दिलशाद भैया। कुछ नेटवर्क इशू हो गया सर, दिलशाद भैया अभी पुनः जुड़ते हैं। जी हाँ बराबर। जी तो दूसरा भैया बात रख रहे थे कि कौन सी प्रक्रिया हमें सहज स्वीकार होती है। जी भैया मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आ रही है, आ रही है। जी ठीक है, कुछ मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो गया था जिसके कारण मैं अब ठीक है। बस एक ये स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ भैया ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी ठीक, एक बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का चैट बॉक्स में ये तो बात आई है कि हर एक जगह संबंध के साथ होना ठीक है। अब अगर सहज स्वीकृति हम उसको कह रहे हैं जो व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर बदलती नहीं है। अभी देखिए, जैसे आपको संबंध के साथ जीना ठीक लग रहा है, तो ये दिखाई देता है कि जब आप बचपन में थे, जब जवानी में है, बुढ़ापे में है, हर एक स्तर के जीवन के हर एक स्तर पर ये दिखता है कि संबंध के साथ जीना ठीक है। समय भी देखें तो आज से 10 साल 20 साल पहले या आज से
कई समय पहले भी वो जो है वो दिखता है कि भाई संबंध के भाव के साथ जीना ठीक है, और आज से कई साल बाद भी दिखता है संबंध के साथ जीना ठीक है। स्थान भी देखे तो कार्यालय में भी संबंध के साथ जीना ठीक दिखता है, परिवार में भी, बाजार में, हर एक जगह। तो ये जो सहज स्वीकृति है, मेरा जो स्वत्व है वो बदल नहीं रहा है, वो एक सा ही बना हुआ है, वो निश्चित बना हुआ है। तो प्रस्ताव को पहले स्टेज में इस पर जांचें। अब जब पहले स्टेज में जांच ले और हमको लगा कि भाई ठीक है संबंध के साथ जीना ठीक लग रहा है, अब दूसरे स्टेज में क्या करें, तो ये दिखता है कि दूसरे स्टेज में, सेकेंड स्टेप में, हम उसको जी कर देखें। किसके साथ जी कर देखें? भाई हमने कहा कि भाई संबंध के साथ जीना ठीक है, तो संबंध के साथ जब जीने जाएंगे तो मानव के साथ, जो हमारा, मेरा और आपका एक दूसरे मानव, हम दोनों के बीच में क्या है, तो दिखता है एक व्यवहार है। जब मैं संबंध के भाव के साथ आपके साथ जीता हूँ तो ये दिखता है कि भाई मैं वहां से सुखी होता हूँ, आप भी सुखी हो पाते हैं। वही जब मेरा ये भाव प्रकृति के लिए निकल कर आता है कि भाई मैं जो है प्रकृति को भी ये ध्यान दे पाऊं। अब जैसे बात करें कि हमको कौन सा भाव ठीक लगता है, समृद्धि का भाव या दरिद्रता का भाव, आप चैट बॉक्स में एस या डी लिख सकते हैं। बढ़िया, तो ये दिख रहा है कि समृद्धि का भाव ठीक दिखता है। तो अब जो समृद्धि के भाव के साथ जीने जाते हैं तो प्रकृति में भी ये बात ध्यान में आती है कि भाई मैं भी समृद्ध हो पाता हूँ और शेष प्रकृति भी समृद्ध हो पाती है। तो हमको इस बात को समझना होगा कि भाई ये सुख क्या है और समृद्धि क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा कि इस तरह से अगर इस पूरे कंटेंट को जो आपके सामने रखा जाए, ऐसा ठीक है या कोई दूसरी विधि से ठीक है। जब हम पहले स्टेप में जांच परख करके देखते हैं और दूसरे स्टेप में जी करके देखते हैं, तो ऐसा करने से मेरे में समझ बनती है, मेरे में समझ सुनिश्चित हो पाती है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं हम लोग। कौन सी प्रक्रिया आपको सहज रूप से स्वीकार है? अपने अधिकार पर स्वयं जांचना व सत्यापन करना, जो स्वयं में समझ की ओर अग्रसर हो। दूसरा ऑप्शन है आदेश उपदेश, क्या करना है क्या नहीं करना है की प्रक्रिया, जिसमें बिना सत्यापन को जो कहा जाए उसको मान लिया जाए। और इस पूरी बात पर, इस पूरी प्रक्रिया पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग वो भी ले सकते हैं। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं। नमस्ते मनोज जी। कुमारी पुनीत कौर जी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मैं पुनीत मैनी मैहर से। सर जो आपने प्रश्न अभी रखा उसमें कि जब सर हम दूसरों के उपदेश या आदेश के अनुसार जब काम करते हैं और उसमें बिना अपनी समझ के या फिर अपना कोई भी ऐसा वैल्यूशन नहीं करते, तो अगर अगर हम उसको सर नहीं चुनते तो क्या सर हम उसमें गलत होंगे? ठीक, अभी वो दूसरे का जो हम चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। अभी ये मुद्दा है कि जो भी हम, हमारे सामने प्रस्ताव आ रहे हैं तो हम उसकी जांच परख करें खुद के स्तर पर, या बिना जांच परख करे उसको मान ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मुद्दा है। और ये जो स्वयं की नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सहज स्वीकृति है, हम इसको क्या देख पाते हैं या इसको नहीं देख पा रहे हैं हम, अभी ये मुद्दा है। जब दूसरे, हम लोग अभी तो खुद की ही बात कर रहे हैं, जब परसों हम लोग जो है वो परिवार की बात करेंगे तो वहां पर इन मुद्दों को भी देखेंगे। जब दूसरा कुछ बोल रहा है तब क्या करना है क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान हम दे पा रहे हैं किन बातों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसको भी देखेंगे। क्योंकि सर जब हम इसमें चुनता, तो मैं चुन रही थी तो मेरे मन में पहला ये प्रश्न आया कि मुझे था कि स्वयं से ही मुझे वो करना चाहिए, लेकिन जब दूसरा मैंने सर पॉइंट देखा तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए सर। धन्यवाद जी। तो एक हम लोग और ले लेते हैं यहाँ पर। दिनेश कश्यप जी हैं। नमस्ते दिनेश जी। जी सर। जी बताइए। हेलो जी। नमस्ते सर।
सर जांचने परखने की जो बात आ रही है, दो ऑप्शंस दिए हैं आपने, अपनी तरफ से दिए हैं आपने ऑप्शंस, लेकिन मनुष्य जो है जब एक्सपीरियंस करता है, मनुष्य मतलब आप भी आ गए, मैं भी आ गया, सब आ गए, तो उसमें कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें बिना जांचे परखे भी मानना पड़ता है, क्योंकि जांचेंगे परखेंगे तो पता चला जांचने वाला ही गायब हो गया। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिंदगी में, कोई जैसे कोई उदाहरण देकर, उदाहरण मान लीजिए मुझे मरने के अनुभव लेना है तो मुझे मरना पड़ेगा, तो मरना पड़ेगा, जीवन ही खत्म हो गया, एक तुरंत तो दिमाग में आया, इसलिए बता रहा हूँ। ये ऐसे ही मान लो किसी का हाथ काट दिया तो कैसा लगता है, एक जनरल बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसको फिर क्या है काफी समझ के, बहुत सारी उसमें लंबा समय हो जाएगा, तो कुछ ऐसी चीजें परिस्थितियां होती है जिंदगी में, जैसे मान लो पहाड़ी पे से कूद के या मोटरसाइकिल से नीचे गिरना है, उसका अनुभव कुछ भी ऐसा जो असामान्य है, तो उसमें तो कई बार मानना पड़ता है, जैसे अब गणित का सवाल हल करने हैं उनको मानना ही पड़ता है, आप कैसे जाते हैं परखेंगे, उसमें माना कि मूलधन इतना है, ऐसा कुछ रहता ना गणित में, मैं गणित का कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मानते हैं उसमें, तो मानना, जानना और पहचानना तीन स्टेज हैं सर ज्ञान की, जो मेरे अनुभव में आती है। पहले तो मानना ही पड़ेगा कि ये भगवान भोलेनाथ हैं, ये मानना ही पड़ेगा, फिर उन्हें जानना पड़ेगा, फिर पहचान आएगी, तो ये स्टेज जो है किसी चीज की वो होना जरूरी है। जो आपने प्रश्न किया सर, दो प्रश्न है उसमें, एक तो ये कि मान लें और दूसरा जान लें, तो उसमें पहचान लें, तीसरी स्टेज एक और होना चाहिए उसमें बीच में, मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो देखता रहता हूँ, जो अनुभव में आता रहता है उसी की बात कह रहा हूँ, बस इतना ही कहना था सर, थैंक यू सर। देखिये अभी जो यहाँ पर जानने और मानने के पहले जो हम बात कर रहे हैं, किसी ने हमको कुछ बात रखी, प्रस्ताव रखा, तो हम उसको क्या जांच कर पा रहे हैं खुद के अधिकार पर? तो सर उसको जो आप मानते भी हैं, तो आप सब चीजों को नहीं मान लेते हैं, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर दिनेश जी, आप सब चीजों को नहीं मान लेते हैं, आप उसकी भी जांच परख करते हैं कि भाई ये करना ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, खुद के स्तर पर कुछ इस तरह से कर रहे हैं, अगर आपको ठीक लगता है कि भाई हाँ ये मेरे से कुछ मैच कर रहा है तो हम उसको मान लेते हैं, नहीं मैच करता है तो नहीं भी मानते हैं। नहीं सर, हमारी दुनिया का है तब तो ठीक है, जैसे मान लो मैं एक शिक्षा जगत से हूँ तो ठीक है, पता चला कि एक रेलवे इंजन बनाने वाला मिल गया, कोई इंजीनियर है, मैकेनिक जो भी मान लीजिए उसमें काम कर रहा है, तो अब उसमें मैं मानूं चाहे जानूं कुछ भी करूं, उसमें मेरा कोई दखल ही नहीं है, तो वो तो सीधे सीधे मानना पड़ेगा जी। जो तो अभी हाँ देखिए, ठीक बात है, बहुत सारी बात है अभी। हाँ देखिए दिनेश जी, अभी हमारे साथ जीने में दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आता है कि क्या करना है, और दूसरा प्रश्न आना है कि कैसे करना है। हाँ, क्या करना, कैसे करना, कैसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है? मुझे ये ध्यान, हाँ ये ध्यान में आया कि भाई ये शरीर को क्या करना है, तो ये बात ध्यान में आती कि भाई शरीर का पोषण करना है कि शोषण करना है। अब सर पोषण कितना भी करो लेकिन शोषण तो शोषण होता ही जाता है, वो प्रकृति शोषण करती है, जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है, नहीं तो प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन वो जो जवान आदमी है या बूढ़ा आदमी है या जो बच्चा है, वो शरीर का तो एक नियम है, हाँ। तो एक नियम के आधार पर चल रहा है, लेकिन जो जवान व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बच्चा व्यक्ति है, तीनों ही लोग शरीर का पोषण करना चाह रहे हैं या शोषण करना चाह रहे हैं? सर पोषण करके शोषण करेंगे, मतलब पहले खाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, और फिर वापस उसको बाहर करेंगे, फिर से खाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर बाहर करेंगे, यानी पहले पोषण करेंगे फिर शोषण करेंगे। हाँ, तो बाहर करने से शोषण हो जा रहा है शरीर का? नहीं, बाहर करने से तो वापस वो तो बाहर खाद बनता है, टमाटर अगर पोषण के काम में आएगा, खाद से बनता है, तो ये देखता है, ये देखता है जी जी, तो ये देखता है कि भाई शरीर का पोषण करना जो है वो ठीक जरूरी जरूरी, अब कैसे करें तो, हाँ कैसे पोषण करना जरूरी, अब कैसे करें तो उसके लिए बहुत सारी डाइवर्सिटी है कि कोई हो सकता फल खा रहा हो, कोई सब्जी खा रहा हो, कोई कुछ और चीज खा, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, कोई गेहूं खा रहा, कोई चावल खा रहा, कोई सब्जी खा रहा, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, पर अगर देखने जाएं कि मैं अपने शरीर का क्या करना चाहता हूँ, तो ये दिखता है कि भाई मैं अपने शरीर का पोषण करना चाहता हूँ। तो पहले तो सर माना ना सर, आदरणीय, पहले तो उसने माना, जैसे मान लो सृष्टि में पहले पैदा हुआ, उसने देखा एक फल लगा हुआ है, भगवान ने कोई से फल दिया, उसने देखा बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों को, उसने तोड़ा मुंह में लगाया, जैसे बच्चा छोटा सा आ करता है, उसका मुंह में खा लेता, भले वो गंदी चीज हो अच्छी चीज हो, फिर उसके अंदर देखता बहुत बेकार है, ऐसे करके तो अनुभव लेता पहले, वो मतलब पहले उसको मान लेता है कि हाँ ये मेरे खाने के लिए,
बाद में जलता तो भागता है और अच्छा लगता तो मजा आता है। लेकिन जब वो उस फल को या जो भी चीज लेने जा रहा है तो क्या उसके बारे में वो कुछ निश्चय करता है कि इसको उठाना है नहीं उठाना है? नहीं तो सर उसके अंदर इंस्टिंक्ट आती है ना सर, कोई भी ले लो सर। अभी हाँ, अभी अभी पहले से दिनेश जी हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसको हम क्या है ना बाहर बहुत सारा देख रहे हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति है वो बच्चा व्यक्ति है, अपने पर लेकर देखें। मेरे ऊपर ही लेता हूँ, चलो सर मैं बचपन में बिल्कुल छोटा सा था, मैं मिट्टी खाता था और मुझे बड़ा मजा आता था, सौंधी सौंधी लगती थी लेकिन खाने की चीज नहीं है, और मुझे जो है बड़ा अच्छा लगती थी लेकिन मुझे धीरे धीरे मना किया, बस मैं मानने लग गया मैं कि हाँ ये तो बुरी चीज है। लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने बताया, किसी अच्छे व्यक्ति ने बताया जिसको जानकारी थी कि हाँ ये बुरी चीज है, उसने बताया, तो मानना भी हो रहा है कहीं जानना भी हो रहा है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका जानने में सहयोग करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तो आप परमात्मा है, वो परमात्मा है सर। शुरू में अपन लोग सब बच्चे थे, कई पीढ़ियां चली गई और उस समय क्या हुआ, दिनेश जी अगर हम इतना सारा फैलेंगे ना कि सबको ले आएंगे अभी और वो शब्द हमको बहुत सारा क्लियर नहीं होगा तो वो क्लियरिटी बन नहीं पाएगी। हम छोटा छोटा स्टेप स्टेप में चलेंगे तो बात हम तक क्लियर हो पाएगी सर। स्टेप में ही चलते हैं तो मतलब कुछ चीजें ऐसी जो मान लेते हैं और कुछ लेके चीजें जो जाननी की होती हैं उनको जाना भी जाता है। ठीक, अभी मैं मतलब इसको कोई फाइनल कंक्लूजन न रखें, ओपन ही होकर चलें अभी तो हमारी तरफ से। ये भी नहीं है कि भाई जो ये बात करी दे रहे हैं उसको भी माने, हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जिससे पूरे कंटेंट को चलाएं ये प्रक्रिया ठीक रहेगी या इसके अलावा कोई और प्रक्रिया अपनाना ठीक है कि मैं यहाँ से बोलूं कि भाई जो भी बोलता जाऊं और बोलूं कि भाई आप मानते जाइए दिनेश जी, किसी को भी जांच परख नहीं करिए। क्लोज एंडेड है सर क्वेश्चन, उसमें मतलब पूरे हम खुल के बात नहीं कह पा रहे हैं, मतलब उसी में बंध जाते हैं। दो बातें आपने कही, उसमें ऑप्शन तीसरा भी होना चाहिए वैसे हिसाब से कि दोनों यानी एक या और दो या दोनों ये होंगे तो उसमें क्या हम अपनी बात अभी, जी अभी अगर देखें ना, अगर मैं अपने में समझ को सुनिश्चित करने जाता हूँ जी सर, तो जब मैं मान लेता हूँ चीजों को जी सर, तब मेरे में समझ सुनिश्चित नहीं होती है। हाँ ये बात, लेकिन अगर अपने में मैं जांच परख करके देख पाता हूँ जी बिल्कुल सही, तो मेरे में अपने में समझ सुनिश्चित होती है। जी समझता हूँ, एनालिसिस फॉल्ट नहीं आता है, मानने में एनालिसिस फॉल्ट नहीं है, जैसा कह दिया मान लिया। तो अगर मैं अगर मैं अपने में सही समझ सुनिश्चित करना चाहता हूँ जी, तो उसमें मैं जांचने की प्रक्रिया से चलूं या मानने की प्रक्रिया से चलूं, इसको भी हम देख लें। उसमें मान लेंगे अगर ना, तो अपना जो अनुभव है वो एक तरफ रह जाएगा, एम्पैथी वाली बात है। और अगर नहीं मानेंगे जांचेंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे एक काउंसलर होता है किसी मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा हो गया, उसके बाद में परेशान हो गया, तो वो जो काउंसलर है वो बकायदा, अगर महिला है तो वो बकायदा गर्लफ्रेंड उसकी बन के और उससे बात उबलवा लेती है, ठीक है, अपने एथिक्स को ध्यान रखते हुए। और अगर लड़का काउंसलर है तो वो लड़की से बॉयफ्रेंड बन के पूरी बात निकलवा लेता है और फिर उसको उसका समाधान देता है। ठीक, मैं तो अभी कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, अभी तो अपने में ही सहज बातें हैं, सब कोई संसार में सभी बिल्कुल सभी चीज अपनाना चाहिए। हम लोग चलेंगे उन मुद्दों पे भी, चलेंगे मेरे मन में सहज बातें मैं भी बोल देता हूं सर। जी जी नहीं ठीक बात है, मैं ऋषि मुनियों की बात भी कर सकता हूं, एक बिल्कुल अलग ऊंचे से ऊंचे, लेकिन क्या मतलब सभी कुछ है। ऋषि मुनि भी यही लेटरिन जाता है और उसमें मुंह धोता है और सोता है, सभी कुछ करता है। तो अभी अगर मैं ये देखने जाऊं जी सर, दिनेश जी अगर मैं ये देखने जाऊं कि मेरे में अगर सही समझ सुनिश्चित करनी है तो वो सर, किस विधि से चलना ठीक रहेगा? इस प्रस्ताव विधि को जांच परख करके चलना ठीक है या अन्यथा कोई और दूसरी विधि लेकर चलना ठीक है? अब तो दूसरा ऑप्शन में जो भी बहुत सारे ऑप्शन है सब ले लिया जाए। जांच परख में वही सही है जहां पर व्यक्ति उस स्तर का हो, जैसे मैंने बताया ना वो इंजन का, रेल इंजन का मैं एबीसीडी नहीं जानता तो मानना ही पड़ेगा उसने तो। वो चीज है, लेकिन अगर रेल इंजन की भी समझ चाहिए तो उसकी जांच परख करनी पड़ेगी। हाँ अपने स्तर पे करेंगे लेकिन अपन पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारी दुनिया में है अपन नहीं जान पाएंगे, जैसे अभी मुझे कल बताया एक सर ने। दिनेश जी हम लोग थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़ा लेते हैं फिर आपकी बात से लौट के भी आते रहेंगे। जी सर थैंक यू सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात ध्यान में आती है कि अगर हम इसको भी देख लें ये पूरी प्रक्रिया को कि जांच परख करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरे में सही समझ सुनिश्चित हो सकती है या किसी ने कुछ बोला और उसको बिना जांचे परखे हमने मान लिया, अपने में हम इसको सुनिश्चित कर लें कि मेरे लिए क्या ठीक लगता है, दूसरा कह रहा है उसको मान लें या अपने में हम प्रस्ताव मिले और प्रस्ताव की भी जांच परख कर लें। और हर जगह हमको प्रस्ताव ही मिलता है, कोई अगर टीवी में कोई एडवर्टीजमेंट है तो वो भी एक प्रस्ताव है,
अब हम देख लें कि भाई जो भी चीज़ है वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं। हमारे पेपर में कोई ऐड आया है वो भी मेरे लिए प्रस्ताव है, हम देख लें भाई कि वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं। तो जांच परख हम इस तरह से कर पाते हैं, ये बात हुई। और जैसे जैसे हम जांच परख करते जाते हैं खुद के अधिकार पर, तो ये दिखता है कि मेरे में सही समझ सुनिश्चित होती जाती है, ये बात ध्यान में आती है। तो इतनी बात हुई। तो इस पूरे कंटेंट को जो ये प्रक्रिया से चलाना ठीक है क्या? आप चैट में यस और नो भी लिख सकते हैं, इस प्रस्ताव विधि की जांच परख करके ऐसी प्रक्रिया चलाना ठीक है, या यहाँ से कुछ जानने मानने को कह देना वो ठीक है। पहली वाली ठीक है तो ए लिख दें, दूसरा वाला यस और नो भी लिख सकते हैं। बढ़िया, ठीक बात है। तो ये दिखता है कि ये इस प्रक्रिया से चलाना ठीक है। अब जब और आगे अगर ध्यान बढ़ाएं, मतलब और आगे अगर चलें, तो ये दो बात भी लिखी हुई है, एक है सुख और एक है समृद्धि। तो इस सेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि सुख और समृद्धि पे भी कुछ चर्चा कर लें। तो सुख को कहा, मैं जिस स्थिति, जो मेरी खुद की है स्थिति, मैं वहां उस स्थिति और जो भी मेरे आसपास परिस्थिति, मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, और ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार्य भी होता है, मुझे ठीक भी लगता है वैसा जीना, और इस स्वीकृति के भाव में जब मैं जीता हूं, इसी को सुख कह रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो संगीत में, व्यवस्था में जीने को हम सुख कह रहे हैं। उसी के साथ दुख की परिभाषा भी लिख देते हैं, यहां रख देते हैं आपके सामने। दुख को कहा, मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता, और इस स्वीकृति के भाव में जब मैं जीने के लिए बाध्य हो जाता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं पर बाध्य हूं मैं, तो उसको कह रहे हैं दुख। अंतर विरोध में, अव्यवस्था में जीने के लिए जब हम बाध्य होते हैं, उसको कहा दुख। क्या लगता है आपको कि ये परिभाषा सुख और दुख की ठीक है, या अगर इस पर कुछ बात रखनी है तो वो हम लोग सुख और दुख के ऊपर कर सकते हैं। इसको भी देखें, हम कब सुखी होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा अपने में देखें। मैं सभी हैंड जो है वो लोअर कर देता हूँ, और फिर कुछ हैंड रेस थे, अब फिर से हम लोग बात कर सकते हैं। जेपी आनंद जी हैं, बताइए। अच्छा, यस सर, हेलो जी, बताइए। सुख की जो परिभाषा और दुख की परिभाषा, ये बहुत हद तक सही है, सही दी गई है। इसमें जो क्या होता है कि जो हमारे अनुकूल है, जो चीज हमारे अनुकूल आज हो रही है वो सुख है, और हो सकता है वो कल नहीं हो। इसमें काल का भी बड़ा महत्व है। इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो जो, जो सुख मिलता है वो हमारे अनुकूल होना चाहिए, हमको सूट करना चाहिए। आज मैं इस शहर में हूँ, या इस जगह हूँ, इस व्यवस्था में हूँ, तो वो मेरे को सुख मिल रहा है। लेकिन कल मैं दूसरी जगह होऊंगा, वही परिस्थिति होंगे, तो मुझे दुख मिलेगा। इसलिए ये एक सुख और दुख फील करने वाली बात है। हम जो सुख फील कर लेंगे तब इसमें अंतर धीरे धीरे समझ में आता है, व्यवहारिक रूप से समझ में आता है ऊपर। इसमें ये कहना चाहता हूँ जी, तो ये बात तो दिखती है कि अगर मैं आज एक जगह हूँ, दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो परिस्थिति तो बदल जाएगी। लेकिन अगर मेरी स्थिति सहज स्वीकृति के आधार पर है जी, तो वो तो नहीं बदलेगी। वो तो चाहे मैं यहाँ चला जाऊं, किसी दूसरे देश में चला जाऊं, किसी तीसरी जगह चला जाऊं, तो ये देखता है कि वो तो निश्चित बनी रहती है सहज स्वीकृति जो मेरे में खुद में है। अगर उसके आधार पर जी पाता हूँ तो वहां से सुख, हाँ, सुखी हो पाता हूँ। लेकिन अगर परिस्थिति के आधार पर देखने जाता हूँ तो परिस्थिति तो बदलती रहती है, तो वहां से सुख का कार्यक्रम बदलता रहेगा, और मुझे लगता है कि सुख की निरंतरता भी मुश्किल है फिर। जी जी, मैं ये कह रहा था, अपने मन को इस तरह ढालना होगा, अपने मन को इस तरह बदलाव लाना होगा कि यदि आप हैं तो उसको सुख का लाभ ले सकें। मतलब थोड़ा मन को भी समझाना होगा, तब जाके ये सुख मिल पाएगा, अदरवाइज हम दुखी रहेंगे। वो मन को समझाने वाला भी मैं खुद ही हूँ। हाँ हाँ, तो अपने ऊपर ही बात दिखती है कि अपने ऊपर अगर ध्यान दे पाते हैं। हाँ, तो इसलिए तो आत्म अवलोकन, स्व अवलोकन, हमको अंतर्मन से कर।
रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं, इसी दिशा में हम जा रहे हैं। इसको इसको चीज को समझे पहले और दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। जी जी बढ़िया। तो एक सुषमा जी को भी पूछ ले। आनंद जी आपको तक बात कुछ पहुंच पाई? हाँ थैंक यू जी जी। सुषमा जी से पूछ लेते हैं। नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते सर। आपने जिस तरह से सुख और दुख को परिभाषित किया है वही भाव मेरे भी मन में आया है कि मेरे मन के अनुकूल जो जो चीजें होती चली जाती है वो हर परिस्थिति में, कि मैं दुख में हूँ या सुख में, किसी भी परिस्थिति में मेरे मन के अनुकूल जो भी होता है तो मैं सुखी हो जाती हूँ। वो चाहे हमारा शरीर से संबंधित हो, परिस्थिति से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो, तो जहाँ विपरीत स्थिति आई तो मैं दुख में हो जाती हूँ। यदि मैंने अपेक्षा करी है कि मेरा रिजल्ट ये आना है और नहीं आया तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो समझ के साथ उस चीज को, अस्वीकृति के भाव को यदि मैं समाप्त करूंगी तो ही मैं सुख में जाऊंगी। तो परिभाषा जो आपने दी है वो मुझे बिल्कुल सही लग रही है और बहुत, मुझे लगता है बहुत जल्दी में, बहुत हड़बड़ी में इसको माने भी नहीं कि ये बात ठीक दिख रही है। अपने में जांच परख करके देखें कि जब आप सुखी होते हैं तो क्या इस तरह की स्थिति अपने में हो पाती है, जब दुखी होते हैं तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या वहां बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जब सुखी होते हैं तो वहां बने रहने की कोशिश करते हैं या वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों को भी अपने में जांच परख करके देखें तो ये और अपने में क्लियरिटी इन बातों की बन पाती है। जी सर, सुखी में, सुख के भाव में से तो निकलने खैर लगभग मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ, पर हाँ दुख के भाव में से निकलने के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ और जो उस भाव को यदि दूर कर पाती हूँ, जो आप कह रहे हैं अस्वीकृति के भाव को, तो अभी आपकी बातों को मैंने पहले अपने मन में जांचा है और फिर ही मैंने उसको आपका जवाब दिया है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ अगर ये देखें कि सुख को कहा व्यवस्था में जीना, संगीत में जीना, इसी को सुख कह रहे हैं, और अंतर विरोध में अव्यवस्था में जीने को ही जो है वो दुख कह रहे हैं। अगर मैं इस दोनों बात को अगर एक साथ देखने जाएं तो सुख में है या दुख में है ये कैसे, उसका इंडिकेटर क्या है? जैसे हमारे घरों में इंडिकेटर लगा रहता है ना, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, तो लाल बत्ती जलती रहती, बोले इंडिकेटर देख लो जल रहा है कि नहीं, तो हम ये कैसे तय करें कि भाई हम इस स्थिति में सुख में है कि दुख में है? तो जिस स्थिति में हम निरंतर बना रहना चाहते हैं, निरंतर बने रहना चाहते हैं, उसी को हम सुख कह रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति से हम बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ नहीं रहना चाहते, इस स्थिति से बाहर निकलो, परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्थिति की बात कर रहे हैं जो मेरे में चल रही है, तो जिस स्थिति से मैं बाहर निकलने की बात कह रहा हूँ उसको दुख कह रहे हैं, जिसमें मैं निरंतर बने रहने की बात कर रहा हूँ उसको सुख कह रहे हैं। और अभी एक बहुत जो अहम मुद्दा ये भी ध्यान में दें, अगर हम लोग देख पाए कि सुख और आवेश ये दो अलग अलग वस्तु है या ये दोनों वस्तु एक है, क्या लगता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ये अलग अलग है या एक ही है। अलग अलग है तो ए लिख दें, एक ही है तो ई लिख दें। तो ये दिखता है अलग अलग है। मैं एक प्रश्न अभी और पूछ लेता हूं। अभी हमारे जीने में जो ज्यादा प्रयास हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एक्साइटमेंट के लिए हो रहा है या वो सुख के लिए हो रहा है, वो भी लिख दें। अगर सुख के लिए हो रहा है, हैप्पीनेस के लिए हो रहा है तो एच लिख दें, एक्साइटमेंट के लिए हो रहा है तो ई लिख दें। बढ़िया, इसमें तो मिक्स आंसर आ रहा है, कुछ हैप्पीनेस भी लिख रहे हैं, कुछ ई भी लिख रहे हैं। अभी अगर देखें कि एक एक्साइटमेंट को अगर परिभाषित करने जाएं, तो अगर मैं ये कहूं कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच देखते देखते हमने ये कहा कि भाई कोई बॉलर ने जो है बैट्समैन को आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया, अब वो बॉलर जो है वो पूरे मैदान में नाच रहा है, अब वो जो नाच रहा है तो वो क्या है, वो सुखी है या एक्साइटेड है? ई और एच आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या दिखाई देता है? बढ़िया, तो ये आ रहा है कि वो एक्साइटेड है। अभी एक्साइटेड और हैप्पीनेस को अगर देखने जाएं, एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है कि उसको निरंतर कर पाए, वो ऐसा संभव नहीं है,
वो बॉलर कितना भी नाच ले, कितना भी कुछ कर ले, एक समय के बाद उसको वापस जाना पड़ता है, और वापस जाकर वो हो सकता है बॉलिंग दूसरी बॉल फेंके, वो फील्डिंग करे, कोई और काम करे, उसको दूसरा काम करना पड़ता है। लेकिन वहां पर वो सुखी सुख में हम ये नहीं चाहते हैं कि एक समय के बाद हम ये बोले कि भाई अब सुख से निकलना है। तो ये सुख और आवेश ये दो अलग अलग चीज है या एक चीज है? अभी मैंने नई गाड़ी ली, मैं मुझे लगता है मैं बहुत सुखी हो गया। वही गाड़ी में जो घर लाने के टाइम कहीं स्क्रैच पड़ गया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो ये दिखता है कि भाई ये अलग अलग है। किसी ने मेरी तारीफ कर दी, वाह भाई आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सुखी हो गया। किसी ने बोला कि क्या आज तो जो है ढंग के बिल्कुल कपड़े नहीं पहने, आज तो क्या कर क्या है, मैं परेशान हो गया। तो इस तरह का भी जो है ये दिखता है कि ये सुख और आवेश अलग अलग वस्तु है। और आवेश की निरंतरता पॉसिबल नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि आवेश को निरंतर कर पाएं, उसकी कंटिन्यूटी कर पाएं, पर ऐसा पॉसिबल बहुत नहीं दिखता है कि उसकी कंटिन्यूटी हो जाए। आप देखें कोई अगर उदाहरण हो आवेश को लेकर या सुख को लेकर तो आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर। गजेंद्र जी हैं, नमस्ते गजेंद्र जी। हाँ नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी बताइए। जी सर, ये आवेश का और सुख का बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने पेश किया है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि निरंतरता जिसमें नहीं है वो आवेश है, जिसमें निरंतरता है वो सुख है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्थाई है वो सुख है और जो अस्थाई है वो आवेश है। जैसे आपने गाड़ी का उदाहरण दिया तो मैं भी ये कहूँ कि मैंने जब साइकिल खरीदी बचपन में अपने लिए तो मुझे एक आवेश आया और मैंने सुखी महसूस किया खुद को, पर वो आवेश कुछ दिन में ही समाप्त हो गया क्योंकि कुछ एक आध साल बाद ही मेरी इच्छा होने लगी कि अब मैं बाइक खरीदूं, तो मैं उसमें सुख तलाशने लगा जबकि वो मेरा आवेश था। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम आवेशों में जीते हैं और स्थाई सुख को नहीं ढूंढ पाते हैं, जबकि स्थाई सुख हमें भीतर से ही उत्पन्न करना होता है। धन्यवाद सर। जी जी बढ़िया, ठीक जी। डॉक्टर अनर सिंह जी, ये अनर जी है या अनार जी है, मुझे थोड़ा नहीं क्लियर हो पा रहा है। अनार सिंह बोल रहा हूँ सर। अनार सिंह जी नमस्ते, बताइए। सर मैं यही कह रहा था कि जैसे जो सुख की निरंतरता अगर बनाते हैं तो एक स्थाई सुख में, मतलब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई बता नहीं रहा हूँ कि स्थाई सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे अभी क्षणिक सुख बताए आपने, है ना, और सुख और दुख का इंडिकेटर तो पता चलता है अपने चेहरे से, एक्सप्रेशन से, लेकिन स्थाई सुख हम कैसे पा सकते हैं? जी ठीक बात है। तो ये दिखता है कि भाई अगर हमको जो व्यवस्था में जी रहे हैं वहां पर जो अपनी स्थिति है वहां पर अगर व्यवस्था बनी हुई है, संगीत बना हुआ है, तो वहां हम और जिस स्थिति से हम निकलना नहीं चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो वहां पर हम जी पा सकते हैं, वहां पर हम सुखी होकर जी सकते हैं। और जो ये सुख है तो अगर हम जो मानव का जीने का स्तर है तो ये दिखता है कि भाई मानव चार स्तरों पर जीता है। एक में ये दिख रहा है कि भाई वो खुद के साथ जी रहा है, परिवार में जी रहा है, समाज में जी रहा है और प्रकृति और अस्तित्व में जी रहा है। तो अगर ये स्तरों को समझ लेता है और उसके आधार पर जी पाता है तो वो खुद में सुखी हो पाता है। ओके। लेकिन अगर ये स्तरों को नहीं समझ पाता है और वहां कुछ गड़बड़ी करता है फिर, तो वो अपने में परेशान होके परेशान रहता है। बिल्कुल। और जब समझने की बात कर रहे हैं तो इस फिर से वही बात की भाई किस तरह से समझे, हम आपको सारा कुछ समझा दें आप मान ले, या आप खुद के स्तर पर उसकी जांच परख करके अपने में समझ को सुनिश्चित कर पाए। धन्यवाद। ठीक है, तो ये बात दिखती है। कुछ और हैंड रेज हैं, सुषमा जी का भी है, दीपक जी का, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फिर लौट लौट के जो है इसको लेते रहेंगे क्योंकि समय की भी एक हमारे पास सीमा ही है, उसको जो है हमको कोशिश करना है 4:30 बजे तक ये पूरी बात हो जाए। तो अगर ये दिखाई देता है कि ये सुख और आवेश ये अलग अलग है और हमारा जो अभी बहुत सारा प्रयास है वो सुख के लिए तो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा प्रयास ऐसा दिखता है कि आवेश के लिए है, और अगर इंडिकेटर देखें तो आवेश की निरंतरता नहीं है, एक समय के बाद हमको उस आवेश की स्थिति से हटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है,
तो यहाँ पर भी एक हम लोग रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। जी, एक रिफ्लेक्शन है कि सुख और आवेश दो अलग अलग चीजें हैं। दृढ़ता से सहमत हैं, सहमत हैं, ना तो सहमत हैं और ना असहमत हैं, असहमत हैं और दृढ़ता से असहमत हैं। ठीक, एक प्रश्न हम लोग जो है अभी और ले सकते हैं जब तक ये चल रहा है। तो दीपक जी है, नमस्ते दीपक जी। हेमंत निगम जी भी हैं, नमस्ते हेमंत जी। हेमंत जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। परीक्षा भैया आपको आ रही है क्या? मुझे नहीं आ पा रही है। भैया नहीं आ पा रही आवाज। अच्छा, रमेश व्यास जी भी हैं, नमस्ते रमेश जी। जी जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने प्रभातन लिखी हुई है सुख और आवेश, तो सुख और आवेश, सुख तो निरंतर है पर आवेश उसके साथ जब आता है वो भले ही निरंतर ना हो पर इस संलग्न तो है। यदि मैंने उसको तेंदुलकर को जीरो पर आउट किया तो मेरी एक्साइटमेंट की सीमाएं हाईली हो जाएंगी, परंतु जब भी मैं याद करूंगा तो मुझे बहुत सुख देगा कि मैंने सही कोचिंग ली और सही अवसर पर सही विकेट लिया जो मुझे जीत का अवसर दिया। वो मुझे सुख देगा, मेरी मेहनत का तकाजा मुझे मिला। परंतु दोनों संलग्न रहेंगे, भले ही आवेश कुछ क्षण का हो पर सुख उसके साथ रहेगा, ये भी निश्चित है, मेरा ऐसा मानना है। वही मैंने गेंद फेंकी और तेंदुलकर ने छह मार दिया तो मैं अगली गेंद पे दुखी भी हो जा रहा हूँ। तो अगर सुख और दुख ये दोनों ऐसा बना जा रहा है तो ऐसा जीना मुझे ठीक लगता है मैं, या फिर मैं सुख की निरंतरता के साथ जीने चाहता हूँ, इसको भी देख लें। मेरी निरंतरता तो सुख में हर्ष में रहेगी जब मैं उनको याद करूंगा, उन पलों को। वही चिरानंद है जो हमारे द्विवेदी जी बोल रहे हैं, वही आनंद की अनुभूति हर्ष में वह होगी कि मेरी मेहनत का तकाजा और मेरे जीवन का लक्ष्य ये था कि मैं तेंदुलकर को जीरो पर आउट करूं। दुख हो जाएगा कि छक्का चला जाएगा, वो एक क्षण हो जाएगा, उस समय एक्साइटेड नहीं होंगे, उसमें दुख ही होंगे। एक्साइटेड अगर अगर हम दुखी हो गए, अगर दुखी हो गए तो सुख की निरंतरता तो नहीं हुई। नहीं, यहाँ आप अलग ऊपर की लाइन को अलग ले रहे हैं, हम दुख सुख और आवेश को एक साथ में ले रहे हैं। भले ही चिरंतन नहीं है आवेश, आवेश क्षणिक ही हर समय होता है, तरत चालक एक बार ही तरत होती है, हर समय नहीं होती है। परंतु जो सुख देती है उसका जो बादल गरजते हैं और फिर पानी गिरता है और जो पूरी फसलों को आनंद देकर जाती है वो क्षणिक आवेश आवेश के बाद वो सुख देकर जाती है। हाँ, अभी मैं जो फसलों का आनंद है उसको यहीं रोकूंगा, अभी तो हम मानव की ही बात कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं अपने में देखूं तो मैं किस स्थिति में जीना ठीक लगता है, ये जो अगर जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है आवेश की बात करते हैं, मैं एक टाइम के बाद जो है मैंने किसी को कहा कि भाई गाड़ी ले लो और गाड़ी लेके मैंने कहा कि नया मोबाइल लिया, नया मोबाइल लेके मैं चलाया। अब मैं लोग मुझसे पूछ लें भाई कि कैसा मोबाइल है, कितने का लिया, कितनी इसकी मेमोरी है, कितना इसमें ऐप आ सकती है। अब मेरा जो है वो इस तरह का भाव चल रहा है। ठीक, अब जो है एक हफ्ते बाद, दस दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद वैसे ही बना हुआ है या उसमें बदलाव आ गया? देखिए, तो मैंने अपनी यदि साइकिल खरीदी अपने पैसों से जब मैं 88 में पढ़ता था एमएससी में, एमएससी करने के बाद पहली साइकिल, आज वो मुझे सुखानुभूति देती है। आवेश उस समय था, मैं दिखाया, हॉस्टल में दिखाया, सबको बताया, बड़ा खुश हुआ, एक्साइटमेंट था, वहां हमारा एग्रेसिवनेस नहीं था। एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों अटूट संबंध है, अलग नहीं हो सकते। भले ही चिरंतर नहीं है पर हैप्पीनेस चिरंतर है और एक्साइटमेंट यहाँ रह जाता है कुछ समय बाद, परंतु उस एक्साइटमेंट का जो तल है वो सुख है, वो छो जाता है एक्साइटमेंट अपना तल के रूप में। तो यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में अटूट संबंध है, भले ही जो रिजल्टेंट है एक्साइटमेंट का वो सुख है और वो चिरंतर रहेगा। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने साइकिल खरीदी थी, दो साल में पैदल जाता था यूनिवर्सिटी 8 किलोमीटर, पर वो साइकिल देती थी वो बड़ा सुख देती, आज मुझे फोर व्हीलर कोई सुख नहीं दे रही उसके मुकाबले, परंतु वो मुझे छोटी बचत में मुझे साइकिल सुख आज भी देती है। और बच्चों को बताता हूँ कि बेटा मैंने वो साइकिल खरीदी थी, आप भले आज फोर व्हीलर यूं ही ले आए,
तो वो उसमें एक्साइटमेंट था और उसका जो रिजल्टेंट था, जो नीचे का पार्ट था, जो एस्पेक्ट बोलेंगे, वो सुख आज भी मेरे अंतःस्थल में है, मेरा ऐसा मानना है। प्लीज जी, अभी अगर हम ध्यान से देखने जाए ना, ये जो एक्साइटमेंट की निरंतरता नहीं हो पाती है, एक समय के बाद वो हमको जो है वो असहनीय भी हो जाता है। मैं एक दूसरे उदाहरण के साथ इसको रख के कोशिश करता हूँ आप तक बात को रखने की। जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं गए शादी में, हमने कहा कि भाई एक रसगुल्ला चलो अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, इसको खाकर देखें, और रसगुल्ला खा के मैं कहा भाई मैं सुखी हो जाऊंगा। अब मैंने पहला रसगुल्ला खाया तो मुझे अच्छा लगा, दूसरा रसगुल्ला खाया तो लगा अच्छा है भाई और ठीक है। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि सुखी हो रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सुख की निरंतरता हो जाए। फिर मैंने तीसरा खा लिया, मैं कहा नहीं भाई अब बस बहुत हो गया। फिर मेरे कोई मित्र मिल गए, उन्होंने कहा अरे भाई मेरे साथ भी तो एक ले लो, मैं कह रहे नहीं भाई तीन, बोले अरे एक और ले लो, तो मैंने एक और ले लिया। यहाँ पर आपकी सही समझ भी काम आना चाहिए ना। हाँ, सही हाँ, समझ तो, कहाँ जाएगी बस, सही हाँ, समझ संबंध जो आपने बताया है वो यहाँ आएगा जी। आपको स्तर तक ही आपको रसगुल्ले खाने चाहिए जो आपको सुख दे पाएंगे, वो तो दुख के स्तर पर जा रहे हैं, जानबूझ के आप अपने आप को आवेश को गलत स्तर पर ले जा पा रहे हैं, तो वो गलत स्तर पर गलत ही देगा सुख ना दुख देगा वो। बहुत बढ़िया, तो अगर हमको सही समझ है तो फिर हम सुख के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमारे में सही समझ नहीं हो पा रही है, उसकी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, तो हम आवेश से निरंतर सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो सुख के बजाय हमको दुख दे जाता है अगर हमारे में सही समझ नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम सही समझ के आधार पर जी पाते हैं, हमको सही समझ की क्लैरिटी हो पाती है, तो हम ऐसे सुख के स्रोत को चुनते हैं जो हमको निरंतरता सुख में दे पाए, मतलब निरंतर सुख दे पाए, हम ऐसा काम कर पाते हैं। लेकिन अगर सही समझ की क्लैरिटी नहीं है तो फिर हमको लगता है कि छोटा छोटा सुख ले लो और वो छोटा छोटा सुख से ही निरंतर हो पाएंगे, क्योंकि मानव के साथ तो ये दिखता है, मानव निरंतर सुखी होकर जीना चाहता है। लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाती है तो हमको लगता है ये छोटे छोटे सुख ले लो, इससे हम निरंतर सुख हो पाएंगे। और जब भी वो छोटा सुख हट जाता है या छोटा सुख लंबे समय के लिए होता है, तो वो हमको दुख दे जाता है, परेशान कर जाता है। ये बात यहाँ से रखने की कोशिश करना चाहूंगा। जो मैं शुरुआत करना चाह रहा था, समझ और सही समझ, इसको लेकर मैं बड़ा पिछली बार के सत्र में मैंने बात करनी चाहिए थी, और आज मैं सुबह से इस बात को लेकर सोच रहा था कि समझ और सही समझ में क्या अंतर है। आप देखिएगा, तीन चार बातें बोलूंगा मैं, प्लीज, तो एक मिनट, दो मिनट बोलूंगा। आज बक्सवाहा में हीरा निकले हुए हैं, परंतु 250-2.5 लाख पेड़ों का नुकसान करके हीरा मिलने वाले, पर देश की प्रगति के लिए हीरे बहुत जरूरी है, और मानव की प्रकृति जन प्रकृति को रखने के लिए प्रकृति जरूरी है। यदि एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो हमें सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों पेड़ काटने होंगे, क्योंकि विकास की वो मांग है, मानव सभ्यता की विकास की मांग। आज यदि रेमसिडियर हमारे लिए मई में चाहिए थे, अप्रैल में, और जाके जून में वो बैन हो गए, पर मई में हमारे लिए वो सही समझ थी कि रेमसिडियर इंजेक्शन मिलेंगे तो शायद कोरोना पेशेंट बच जाएगा 99%, और जून में ये कहा सीएमआर ने कि रेमसिडियर बिल्कुल भी प्रोटोकॉल में नहीं है, उनको बाहर कर दीजिए। अब हमारी वो सही समझ थी, अब समझ ये हो गई, तो सही समझ में निरंतरता क्यों नहीं रही फिर? जी जी जी, जो समझ है उसमें निरंतरता नहीं है, क्योंकि समझ जो है हो सकता है आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, उसमें बदलाव है। सही समझ वो है जो सभी के लिए एक सी हो, उसमें बहुत बदलाव नहीं होता है, उसको कह रहे हैं सही समझ। वो निश्चित बनी हुई है, उसमें बदलाव नहीं होता है, और वो निश्चित क्यों बनी है, क्योंकि वो सहज स्वीकृति के आधार पर है, सहज स्वीकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए सही समझ में बहुत बदलाव नहीं होता है। जी, शायद मुझे सहमत होना पड़ेगा, मैं सहमत नहीं हूँ। अभी तो हम जो है जो प्रकृति की बात की आपने, तो अब वो सही समझ समझ में कौन सा कठिन हो गया। जी जी, अभी जो प्रकृति की बात हुई, हमारे लिए बिल्डिंग खड़ी करना थी तो हमने पूरे बॉम्बे को काट डाला, समुद्र स्थल पर पहुंच गए,
क्यों हम इतने संसायत में जी सभ्यता को तैयार किया, 36 करोड़ से एक करनी चाहिए। रमेश जी आपकी कुछ वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, क्या मुझे भी हो और भी लोगों को हो रही है या मुझे? रमेश जी शायद डिस्कनेक्ट हो रही है। कट रही है सर। अच्छा कट रही है जी, कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे तो फिर से जुड़ गए। रमेश जी मैं रमेश जी तुम्हें कह रहा, भागा निकल बांध या बड़े बांधों का बनना जरूरी था रमेश जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम सुख और दुख की बात कर रहे हैं और खुद में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम अभी इसी पर फोकस रहे जो बहुत सारा प्रकृति का और बाहर सारा बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, तो इसको मुझे लगता है कि हम लोग जब तीसरे दिन चौथे दिन समाज प्रकृति के ऊपर चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, पर स्टेप स्टेप में चलेंगे तो ठीक रहेगा जी। तो अपन कैरी ऑन कर लेंगे, समझ और सही समझ की बात कर रहा था, इसको पेंडिंग रखेंगे जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, जो प्रश्न है उनको बना के रखिए, खत्म मत कर दीजिएगा कि प्रश्न नहीं है जी। बढ़िया, तो अच्छा काफी अच्छे से जो है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक अच्छी चर्चा हो पा रही है हमारे आपके बीच में, और यही उद्देश्य भी है कि जैसे इस पूरी वर्कशॉप का उद्देश्य है कि हमारा आपकी जब संवाद हो पाएगा और धीरे धीरे ये संवाद आपके अंदर भी शुरू हो पाएगा, मुख्य उद्देश्य इस पूरे वर्कशॉप का यही है कि संवाद मेरे में चल पाए, मेरे में ये जांच परख का काम हो पाए, ये पूरा एक मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये सुख की बात की और ये देखा कि सुख की जो है सुख में निरंतर बने रहने का हमारा प्रयास है, दुख में निरंतर बने नहीं रहना चाहते हैं, दुख से निकलना चाहते हैं, और सुख और आवेश भी ये जब ध्यान में आता है तो ये दो अलग अलग वस्तु है, और जो आवेश की निरंतरता पॉसिबल नहीं है अभी ऐसा दिखाई देता है। अगर समृद्धि को देखने जाएं, सुबह से भी बात हो रही थी और अभी भी बात हुई कि समृद्धि क्या है, अगर इसको थोड़ा सा देखने जाएं तो समृद्धि को कह रहे हैं मेरी आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव मेरे में अगर आ जाता है तो उसको हम कह रहे हैं समृद्धि। मेरी आवश्यकता को मैं पहचान लूं कि भाई मेरी क्या आवश्यकता है, मैंने पहचान लिया कि भाई मैं सुबह जो है वो 3 रोटी खा रहा हूँ, दोपहर में 3 रोटी खा रहा हूँ, रात में 3 रोटी खा रहा हूँ, दिन भर में 9 रोटी खा रहा हूँ, 9 रोटी से अधिक मेरे पास उपलब्ध है मेरे लिए, तो दिखता भाई 9 रोटी से अधिक मेरे पास 10 रोटी 11 रोटी उपलब्ध हो गई है, तो मैं अपने में ये समृद्धि का भाव आ पाता है कि भाई मैं समृद्ध हूँ। ये समृद्ध होना और सुविधा संपन्न होना ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है, ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक ही है तो एक लिख दें, अलग वन लिख दें टू, और अलग अलग है तो टू लिख दें। बढ़िया, तो ये दिखता है कि ये दोनों बातें तो अलग अलग है। अभी क्या हमने सुविधा संपन्न होने को ही समृद्ध तो नहीं मान लिया है? हमको लगता है कि कोई व्यक्ति सुविधा हो गई किसी के पास, हमने उस व्यक्ति को समृद्ध भी मान लिया, या मेरे पास सुविधा हो गई, इसको भी हम अपने में जांच परख करके देखें। जैसे एक अगर समृद्धि को मैं रखूं तो एक बार एक प्रोफेसर आए और उनसे कुछ बच्चे जो है वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये समृद्धि पर कुछ बातचीत होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, एक वहां पर कुछ ऐसा बनाने का कुछ ड्राइंग शीट जैसा कुछ था, तो उन्होंने ड्राइंग शीट में कप बना दिया और ये दिखाया कि कप के ऊपर चाय एक केतली से कप में गिर रही है, और कप का बेस नहीं बनाया उन्होंने, और ये दिखाया कि वो चाय जो है वो बेस के बिना से नीचे भी निकल रही है, तो बच्चों से पूछा कि कितनी केतली से कितनी चाय डालूं तो इसमें वो भर जाएगी ये कप में, तो बच्चों ने जवाब दिया क्या सर आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं, इसमें तो हम पूरी केतली भी पलट देंगे तो ये कभी नहीं भरेगा। एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि हम इसको अगर समुद्र में भी डाल देंगे और समुद्र से भी निकालेंगे
तो भी ये खाली का खाली ही बना रहेगा। तो अगर हम बिना आवश्यक सुविधा को पहचाने उपलब्धि या उत्पादन के भाव में लग जाते हैं तो वहां से सुविधा संपन्न तो हो पाते हैं, समृद्ध नहीं हो पाते हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या होना ठीक लगता है, सुविधा संपन्न होना ठीक है या समृद्ध होना ठीक है। अभी हमारा बहुत सारा जो प्रयास है वो सुविधा संपन्न के लिए है, समृद्ध हो जाए ऐसा बहुत सारा प्रयास दिखता नहीं है। समृद्धि को लेकर अगर किसी का एक कोई प्रश्न हम लोग या कोई शेयरिंग है तो वो ले सकते हैं। तो हेमंत त्रिवेदी जी हैं जी, नमस्ते हेमंत जी, समृद्धि से लेकर अगर आप कुछ बात है तो रख सकते हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, जैसा अभी आपने बताया कि जो समृद्धि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे हम मेरी नीड कितनी है जीवन से संबंधित, मेरी उत्पादकता का भाव समृद्धि नहीं है, अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने लाइफ स्टाइल को और जीवन को संतुलित करना, ये समृद्धि है। और ये समृद्धि किसी कम चीज़ों के, कम वस्तुओं से जीने वाले के लिए भी ये मतलब उपलब्ध हो सकती है। जैसे कि कहा जाए कि कई लोग प्रसन्नता के इतने स्तर पर गए तो उनको आज हम साधु संत मानते हैं, जैसे कबीर, मीरा, ये लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लेकिन तो भी बहुत आनंद में और समृद्ध जीवन जिया। जी सर, जी तो ये बात यहाँ पर जो अच्छा, आपका काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है हेमंत जी, काफी ध्यान से आप पूरी बातों को सुन पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। हो सकता है कोई व्यक्ति 5,000 रुपए महीना भी कमा रहा हो लेकिन अगर उसको अपनी आवश्यकता की क्लैरिटी हो पा रही है, उसके आधार पर वो पूरा पढ़ पा रहा है तो वो व्यक्ति समृद्ध हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए भी महीना कमा रहा हो लेकिन अगर अपनी आवश्यकता की पहचान नहीं हो पा रही है तो वो व्यक्ति समृद्ध नहीं हो पाता है। तो अभी हम देख लें कि हम क्या होना चाहते हैं। करोड़ों कमा के भी हमको लगता है कि भाई हमारे पास कमी बनी हुई है। अभी तो अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि भाई, पहले तो ऐसा देखा जाता था कि भाई घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, मेहमान खाना खा ले तब वो जाए, ये बात ध्यान में रहती थी, भाई मेहमान आया है तो खाना खाए बिना जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान है कि भाई मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास उपलब्ध है, मैं उसको मेहमान के लिए जो है वो उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन आज तो बहुत सारी जगह ऐसा भी दिखाई देता है कि मेहमान चला जाए तब हम खाएं, बैठे हैं हम लोग, भूख लग रही है, मेहमान भी बैठा है वो भी नहीं जा रहा है, वो भी कुछ अपनी बात कर रहा है, बैठे हम लोग, खाने का समय भी हुआ जा रहा है। तो देख लें हमारे में कौन सा भाव चलता है, समृद्धि का भाव चलता है या अन्यथा कोई दूसरा भाव चलता है। और हमारा जो बहुत सारा प्रयास है वो समृद्ध होने के लिए है या सुविधा संपन्न होने के लिए है, इसको भी हम अपने में जांच परख करके देख पाए। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। और आशा असाठी जी हैं, नमस्ते आशा जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते। जी, हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि पहले मैं ये कहूंगा कि आप रिफ्लेक्शन को एक बार जो है वो कर दें। जी जी, समृद्ध होना और सुविधा संपन्न होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। दृढ़ता से सहमत, सहमत ना तो सहमत, ना सहमत असहमत है या दृढ़ता से असहमत, इसको मतलब आप अपना रिफ्लेक्शन दे दें, फिर आप अपनी बात रखें। जी आशा जी, हो गया ये? जी जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मेरा ये है कि जीवन की आवश्यकताएं क्या है,
और हम मतलब इनको इसको कैसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं तो बदलती रहती हैं। आज मुझे किसी चीज की जरूरत है और आज मैंने उस जरूरत को पूरा कर लिया, कल मुझे कोई और चीज की आवश्यकता हो गई, अब मैं कल उसमें उलझ के रह गई। ठीक बात है। तो मैं समझ पा रही कि मैं इसको एक छोटे उदाहरण से कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचाने की। जी, जैसे मेरे पास कितने कपड़े हैं, क्या मैंने कभी इनको गिना है कितनी जोड़ी कपड़े हैं? अभी ये बात ध्यान में आती है कि मेरे पास कितनी जोड़ी कपड़े हैं मुझे ये नहीं पता, कितनों की आवश्यकता है मैंने ये भी कभी नहीं तय कर लिया। भाई गर्मी बरसात जाड़ा अलग अलग मौसम है, अलग अलग मौसम के हिसाब से कुछ घर में पहनने हैं, कुछ बाहर पहनने हैं, कुछ और पहनने, तो इस हिसाब से कुछ तय तो कर ही पा रहे हैं। तो क्या इनको तय करके फिर उसके जितनी जरूरत है उससे अधिक के लिए प्रयास करें, या जब भी कहीं हमको दिख गया फोटो में, कहीं हम गए और हमको दिख गया और हम ले लें? तो आवश्यकता को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो आवश्यकता मेरी सही समझ के आधार पर ही हो पाती है। ना समझी में तो बहुत सारी गड़बड़ी हम लोग करते हैं जी। लेकिन कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जो मतलब हम उनको पहले से प्लान नहीं कर सकते या हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ इश्यू है या कुछ है, तो उन्हें हम आज से कैसे निश्चित कर सकते? ठीक है, मुझे लगता है अभी तो जो इमरजेंसी नहीं है पहले उसको तो निश्चित कर पाए, तो फिर जब उस तक बात ध्यान जा पाएगा तो जो इमरजेंसी वाली चीजें हैं उन पर भी ध्यान जा पाएगा। जी। अभी जो इमरजेंसी नहीं है क्या उनको निश्चित कर लिया है हमने? जी, उसको कोशिश में जारी है, काफी चीजों को मैं जो है अपनी आवश्यकताओं को मैं ध्यान देख पाती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा है या मेरी इसकी पूर्ति हो चुकी है, तो मैं उसमें सेटिस्फाई रहती हूँ। अभी अगर हमको ये बात ध्यान में आ जाएगी ना कि मेरी आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर क्या ज्यादा है क्या कम है कितना है, तो उस आधार पर फिर इमरजेंसी में क्या कैसा हो सकता है उसके लिए भी हम चीजें तय कर पाते हैं। लेकिन अभी जब क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हमारा ज्यादा प्रयास है, लेकिन जो नॉर्मल में हमारी जो जीवन चल रहा है उस दौरान से बहुत नहीं है। और अभी हमको लगता है कि भाई मेडिकल इशू आ गया, कुछ आ गया। अभी तो ऐसा भी देखा गया कि जिसके पास बहुत सारा पैसा था वो भी बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो अगर हमारा अपने स्वास्थ्य के प्रति ठीक ठीक ध्यान बना रह पाता है, स्वास्थ्य को ठीक ठीक रख पाते हैं, कल हम लोग शाम को इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो वहां से स्वास्थ्य भी ठीक रह पाता है। जी, ठीक है आशा जी। जी, नमस्ते। ठीक है, तो ये देख रहा है कि लगभग सभी लोग जो है वो दृढ़ता से सहमत या सहमत है, लगभग 90% लोग जो है ये कहते हैं कि दोनों अलग ही अलग चीज है। ठीक बात है, तो ये बात ध्यान में आ पाती है। तो अगर मानव की मूल चाहना को देखें तो ये बात ध्यान में आती है कि मानव सुखी और समृद्धि के साथ, सुख और समृद्धि के साथ साथ इसकी निरंतरता भी चाहता है। मानव केवल सुख और समृद्धि में जीना नहीं चाहता है, इसकी निरंतरता भी चाहता है। ये बात मानव की जो है वो दिखाई देती है। अगर और आगे बढ़े, अब सुख को क्या कहा? सुख को कहा संगीत में व्यवस्था में जीना, इसको कहा सुख। और समृद्धि को क्या कहा? कि जो भी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का जो भाव मेरे में हो पाता है उसको हम कह रहे हैं समृद्धि। अभी सुख और समृद्धि के बारे में जो प्रचलित मान्यता है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारी तरफ से प्रस्ताव नहीं है, इस तरह से जो वर्कशॉप चलती है तो लोग आके जो बताते हैं, तो उस तरह की वो मान्यताएं हैं, वो भी अभी क्या माना हुआ है वो भी रख देते हैं। तो अभी तो ऐसा दिखता है कि सुविधा संग्रह को ही हमने समृद्धि मान लिया है, कि मेरे पास जितना पैसा हो जाएगा, जितना बड़ा घर हो जाएगा, जितनी बड़ी गाड़ी हो जाएगी, मैं उतना समृद्ध हो जाऊंगा। जबकि अगर देखने जाएंगे तो सुविधा संग्रह से समृद्ध अगर हो रहे होंगे तो कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति हो पाएंगे, हर एक व्यक्ति नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सही समझ के साथ होने देखेंगे तो दिखता है हर एक व्यक्ति भी समृद्ध हो सकता है।
तो समृद्धि जो है ये केवल कुछ ही लोगों को होना है या हर एक को होना है? अगर सुविधा संग्रह की बात हो रही है तो कुछ ही लोग हो पाएंगे, लेकिन अगर सही समझ के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पहचान करके हो पाना है तो हर एक मानव भी समृद्ध हो पाता है। ये भी हमने मान लिया है, अभी शुरुआत में ही एक सर प्रश्न भी रख रहे थे कि मैं जो जितना सुविधा संपन्न होते हैं उतना ही समृद्ध होते हैं, ये भी हमारी मान्यताएं हैं। इसको भी जांच परख करके देखें क्या ऐसा ही है समृद्धि या कुछ और है। मैं सुख के बारे में भी कुछ मान्यताएं रख देता हूं। अब सुविधा संग्रह करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और जनरली हम सुख और सुविधा को एक साथ ही जोड़कर कह देते हैं कि इससे सुख और सुविधा आ जाएगा। सुविधा से सुखी हो जाए ऐसा बहुत दिखता नहीं है। मैं मोबाइल ले लिया तो सुखी हो गया, मैं कुछ खा लिया तो सुखी हो गया, मैं कुछ नया कपड़ा पहन लिया सुखी हो गया, ऐसा बहुत दिखता नहीं है कि मैं इससे जो है वो सुखी हो जाऊं। अगर सुखी हो भी रहा हूं तो वो क्षणिक हो रहा हूं, उसकी निरंतरता तो नहीं हो पा रही। तो जो सुविधा से मिलने वाला सुख है उसकी निरंतरता बहुत दिखती नहीं है। जो अनुकूल संवेदना शरीर से मिलती है, कि मैंने भाई ये कहा कि भाई सुबह आज रजनीश सर भी बात कर रहे थे कि एसी चला लिया तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत ठंडे में हो गया, एसी चला के सोना शुरू किए 10 बजे से और वही 2 बजे अरे भैया बंद करो बहुत ठंडी लग रही है यार एकदम, ये तो जाड़ा करने लगा हटाओ उसको। अब वही जो एक टाइम पे हमको सुख दे रहा था अब हम उससे परेशान भी होने लग जाते हैं, तो वो निरंतरता बहुत हो नहीं पाती है। हमने वो रसगुल्ले की बात शुरू की, रसगुल्ला खाना शुरू किया, हमको अच्छा लगा भाई बहुत टेस्टी रसगुल्ला है, एक समय के बाद लगा कि नहीं भाई अब हमको रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे बस भाई। एक टाइम के बाद हमको आसान ही हो जाएगा, कोई रसगुल्ला हमने एक दिन जो है 7-8 रसगुल्ले खा लिए, अब अगला कोई ले भी आए रसगुल्ला अरे एक और ली साहब ले जाओ सामने से भाई, बिल्कुल अब दिखाओ नहीं हमको, देखने से उपकाई आ रही है। तो अगर रसगुल्ला हमारा सुख का स्रोत था तो वो निरंतर तो नहीं हो पा रहा है, इस बारे में भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे से भाव पाकर भी अगर देखें तो दूसरा मुझे कुछ बोल दिया, वाह भाई आप क्या बात, आप तो बहुत अच्छे से, आप एक दिन जो है ऑफिस नहीं आते हैं तो एकदम ऑफिस का पूरा काम रुक जाता है, तो मुझे लगा अरे वाह भाई क्या है। वही मैं हटा, दूसरा व्यक्ति बोला भाई तुम कल ऑफिस नहीं आए थे बहुत शांत शांत लग रहा था। तो अगर दूसरे से भाव पाकर भी देखें कि सुख हो जाएगा, अनुकूल भाव मिल जाता है तो वहां से सुखी हो जाए, तो उसकी भी निरंतरता बहुत दिखती नहीं है, वहां भी हम ये दिखता है कि परेशान बने रहते हैं। तो हम निरंतर सुख चाहते हैं या क्षणिक सुख चाहते हैं, इसको भी अपने में तय कर लें। अगर निरंतर सुख चाहते हैं तो निरंतर सुख को समझ के उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। क्षणिक सुख चाहते हैं तो उसके लिए तो हम लोग बहुत सारा प्रयास अभी लगे ही हुए हैं मुझे लगता है। तो और इन सब से जो ये जो मान्यताएं लिखी हैं, इनसे जो हमारा जीवना होता है वो कभी सुख और कभी दुख, जो कभी खुशी कभी गम वैसा वाला चलता रहता है। अब आप क्या ठीक लगता है, कभी खुशी कभी गम ऐसा जीना ठीक है या निरंतर सुख के साथ जीना ठीक है, इसको अपने में जांच परख करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं या परीक्षित दिया एक क्विज ले सकते हैं, क्या क्विज ले लें फिर हम लोग कुछ एक दो रिफ्लेक्शन ले लेंगे। जी भैया क्विज लेना ठीक रहेगा जी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का पुनः एक बार स्वागत है। अभी इस सत्र में जो चर्चा हुई उसमें उससे रिलेटेड 5 प्रश्नों का एक क्विज आपके समक्ष है और 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। बीच बीच में आपको हम रिमेनिंग टाइम के बारे में अवगत कराते रहेंगे और इस बीच में हम अपने सारे माइक म्यूट रखेंगे ताकि आप सभी प्रश्नों को एक्सप्लोर कर सकें और रिस्पॉन्स कर सकें। स्वागत है। कुछ का समय समाप्त हो चुका है, आई होप सभी साथियों ने रिस्पॉन्ड कर दिया होगा। जी ऋषभ भैया कुछ का समय समाप्त हो गया, तुम लोग सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। जी भैया धन्यवाद भैया, लगभग समय हो गया है, 1-2 मिनट ही बचा है, तो अगर हम लोग राज्य आनंद संस्थान अगर से अगर कोई हमारे सहभागी अखिलेश अर्गल जी अगर कुछ बात रखना चाहें इस पूरे आज की चर्चा पर। नमस्ते अखिलेश जी। जी नमस्कार।
अगर आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क या कुछ अपना रिमार्क रखना चाहें इस पूरी चर्चा के ऊपर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। नहीं, मेरे ख्याल से काफी सहजता के साथ सेशन आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि जो गति है वह भी ठीक है, तो सभी लोग चीज को आत्मसात कर पा रहे हैं। और मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि जो जो हमारे प्रश्न रहे, वो जो सत्र चल रहा है, अगर वर्तमान में हम उन्हीं पे फोकस रखें और जो हमारे अन्य प्रश्न हैं जो वर्तमान सेशन से सीधे संबंध नहीं रख रहे हैं, अगर हम उनको नोट करते जाएं और अगर हमको 5 दिन के समय समाप्त होने पर भी उनका अनुभव उनका उत्तर नहीं मिलता है, तो हम फिर अंत में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से और बेहतर प्रक्रिया बन सकती है। और मैं सभी हमारे जो AICTE और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के जो हमारे साथी हैं, उन सभी का मैं आभारी हूँ कि बहुत दिल के साथ में वे सभी हमारे साथियों की जो भी शंकाएं हैं उनका भी निराकरण कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी। जी सत्य प्रकाश जी। आपका माइक म्यूट है सत्य प्रकाश जी। आप हो गया म्यूट जी। जी हाँ नमस्ते। बस मुझे एक सत्य प्रकाश जी मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। जी जी इंद्रपाल जी भी हमारे साथ जी। नमस्ते इंद्रपाल जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छी कार्यशाला है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐड करने की आवश्यकता है। सभी प्रतिभागी उत्साही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत होगी और उनको अपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलता चला जाएगा। कार्यशाला का जिस ढंग से संचालन किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है और लोगों के लिए ये काफी लाभप्रद है, जैसा हमारे सीओ सर ने भी कहा है। इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता जो मेरे स्तर पर मुझे कोई बात कहने की आवश्यकता हो। थैंक यू। धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी नमस्ते। बताइए। नमस्ते। वो मेरा बंद हो गया था भाई। मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो सीओ साहब ने और हमारे इंद्रपाल सिंह जी ने बता दिया है। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लगभग 100 प्रतिभागी अभी जुड़े हुए हैं, लगभग 206 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, तो मैं अनुरोध केवल ये करना चाहता हूँ कि आपके इष्ट मित्र जिनको आप जानते हो किस कार्यशाला के लिए उन्होंने अपना पंजीयन कराया हो, तो कृपया आपसे लेके सुबह 9 बजे तक उनसे चर्चा कर लें कि क्या असुविधा आ रही है ज्वाइन करने में। अगर कुछ तकनीकी दिक्कत है तो कृपया जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ईमेल आईडी और नाम के साथ सूचित करने का कष्ट करें, हम लोग उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। और अगर किसी तरह की अन्य दिक्कत है तो उसके लिए भी आप उनसे एक बार जरूर बात कर लें, ताकि जितने लोगों का पंजीयन है कम से कम वो सारे लोग इस पूरे यात्रा में हम लोगों के सहयात्री बन सकें और हम लोग साथ साथ मिलकर सीख सकें। धन्यवाद। इतना ही। ठीक है धन्यवाद। तो काफी अच्छे से इस पूरी बात को सत्य प्रकाश जी ने रखा। मुझे लगता है कि जो हमारे साथी हैं जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग अगर आगे से जुड़े आगे किसी वर्कशॉप से तो ठीक है, क्योंकि अभी पहले दिन की चर्चा आज पूरी हो गई है और कल दूसरे दिन की चर्चा रहेगी, तो वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी। राजुल भैया। हाँ, हम ये कह रहे थे सत्य प्रकाश जी का बहुत नर्म दिल है और हम लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, जो और हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, जो लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं अगर हम लोग उनको रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दें तो वो रिकॉर्डिंग देख करके कल तक की तैयारी कर सकते हैं। एक दिन का छूट दे, मतलब एक दिन का तो कर सकते हैं मेकअप, क्योंकि इतने घंटे जो है वो 2 दिन
का थोड़ा मुश्किल होगा, एक दिन का तो जरूर कर सकते हैं, तो हम लोग रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, और अगर वो उपलब्ध हो जाता है तो फिर वो लोग देख करके कल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अटेंडेंस वगैरह जो काउंट हुआ है वो नहीं हो पाएगा उन लोगों का, लेकिन अटेंड कर जरूर कर सकते हैं। जी सत्य प्रकाश जी, ऐसा ठीक रहेगा? हाँ भैया बिल्कुल ठीक रहेगा, दरअसल अटेंडेंस तो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन सुबह के सत्र में मैं महसूस कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को ईमेल ठीक से ढूंढना नहीं आ पाया, वो अपने स्पैम फोल्डर या बाकी चीजों में नहीं जा पा रहे थे, और थोड़ी सी मतलब मैं मानता हूँ कि हमारी भी गलती रही है कि ये लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं, तो करीब 50-60 के आसपास रजिस्ट्रेशन कल रात से लेके आज सुबह तक हुए हैं, तो उस लिहाज से मतलब मुझे लगता है कि हमारे आनंदकों को आपने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कि इतनी छूट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको रिकॉर्डिंग या जो भी साथी हमारे उनसे बात करेंगे, वो आज के दिन की संक्षिप्त पूरी बातचीत जितना हमने खुद समझा है उनको जरूर पूरी बात बताएं, और उनसे आग्रह करें कि कल से समय से ज्वाइन करें, और कल अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो निश्चित तौर पर मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि फिर उनको हम अनुमति नहीं देंगे कि आगे की। हाँ कल, इनफैक्ट ये जो पिछला वर्कशॉप हुआ था उसके पहले दिन की रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो वो देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसको भेज देता हूँ। हाँ वो तो अभी तुरंत भेज सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो ये रात तक उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिर उनको ओवरनाइट कुछ करना पड़ेगा, इतने सारे घंटे लगाने पड़ेंगे, 1.5 घंटा प्लस 2-3 घंटे प्लस 1.5 घंटा, तो 4 घंटे करीब लगाने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग देखने के लिए, तो इसलिए कल का मतलब पिछले वाले वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग उनको आप उपलब्ध करा दें तो वो देख कर आ सकते हैं, वो जी पहले दिन का देख लें, नोट्स बना लें, और उन लोग बहुत प्रश्न ना करें, क्योंकि वो इंटरेक्शन जो लोग अभी आगे आ रहे हैं और इतने सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका चर्चा हो पा रही है, उन लोगों को असुविधा ना हो कि भी कोई नया आ रहा है और फिर वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जी तो उनको ये कह सकते हैं कि आप अटेंड जरूर करें, बट ये पूरी पूरी बातें कम्युनिकेट कर दी जाएगी, एज ऑडिट कर लें उसको। जी जी बहुत अच्छा। ठीक बात है राजू भैया, सत्यराज भैया, और ऐसा ये देखा भी गया है कि लोग कर नहीं पाए, करना नहीं चाहते तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के कुछ जेन्युइन भी इशू हो सकते हैं, इंटरनेट का इशू और टेक्नोलॉजी से हम सभी लोग लिमिटेशन से बंधे हुए हैं। जी तो इसी चर्चा के साथ सब अब आज का सेशन हम लोग रखना चाह रहे परीक्षित दिया, मुझे लगता है। जी 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 हाँ हाँ जी सुमानी सर नमस्ते। जी 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 नमस्ते, स्वागत है। जी एक तो जो सत्य प्रकाश भैया ने जो बोला है वो रिकॉर्डिंग जो अपने पास फर्स्ट डे वाली है, जैसे राजुल भैया ने बोला है पिछली बार वाली, क्योंकि अपनी वाली रिकॉर्डिंग आज की करने में तो समय भी लगेगा और उसको पहुंचाना और मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लगेगा, तो पिछले बार का भी सत्र चूंकि डे वन का सेम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भैया के पास है, तो वो अरेंज जरूर कर दें, और टेक्निकल यदि कोई प्रॉब्लम है तो नंबर जो दिए हैं दोनों उस पे फिर से आप उनको थोड़ा सा बोल दें तो वो बात कर लेंगे। और एक दीदी ने अभी हाल ही यहाँ पे चैट में भी लिखा था कि कोई ईमेल हैक हो गई थी इसलिए जुड़ नहीं पाई थी, तो यदि इस ढंग का भी कोई प्रॉब्लम है तो शिल्पा दीदी आप भी देख लें, और नया वाला ईमेल और वो जो डिटेल है वो यदि आप पहुँचा देंगे तो टीम की तरफ से वो व्यवस्थित हो जाएगा, और इसके अलावा भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती किसी भी आनंदक को तो वो जो टेक्निकल टीम से जरूर संपर्क कर लें, तो
तो उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और सभी ने अच्छे प्रश्न भी किए। समय की अपनी सीमा होती है, इसलिए कई बार रिसोर्स पर्सन जो भी हैं उन्होंने प्रश्न को बोला है कि आप ओपन रखें, और यही इस पूरी कार्यशाला की बड़ी अच्छी ब्यूटी होती है कि कोई भी चीज को मानना आपने वो बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल प्रश्न को ओपन रखें, उसके ऊपर मनन करें, थोड़े दिन और कोशिश करें तो धीरे धीरे करके चीजें जो हैं समझ में आने भी लगती है, और उसके बाद में जब भी जरूरत लगे तब अगली वर्कशॉप में और अगली वर्कशॉप में जब भी हम वापस बात करेंगे तब और क्लियरिटी होती जाती है। मेरी तरफ से इतना ही भैया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमानी सर, आपका गाइडेंस हमेशा ही उनके साथ रहता है। जी तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर आज इस सत्र को हम लोग यहीं पे आज रोकते हैं और कल पुनः सबके साथ जुड़ेंगे। फॉर्मली 9:30 बजे चर्चा शुरू होगी, लेकिन हम लोग इनफॉर्मली 9 बजे से ही सेशन को स्टार्ट कर देंगे, और आप सभी से भी अपेक्षा है कि हम टाइमली टाइम से थोड़ा पहले जुड़ पाएं जिससे कि कनेक्शन इशू को सॉर्ट आउट कर पाएं। आज आपको एक असाइनमेंट भी आपके मेल पे आया होगा, उन असाइनमेंट्स को भी आप टाइमली सबमिट कर दें। तो उन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया।